भी चौकीदार कार्यक्रम में बोली जया। मोदी को बताया देश रक्षा करने वाला बहादुर पीएम। आखिरी दम तक पार्टी की सेवा करने का प्रण बोली जया। जनता मेरे साथ है, मैं रामपुर की बेटी हूँ। जया पर्दा ने रामपुर में पीएम मोदी के मैं भी चौकीदार कार्यक्रम में लोगों का आह्वान करते हुए कहा कि वो आखिरी दम तक पार्टी का साथ दें। उन्होंने उन लोगों पर कटाक्ष किया जो कहते हैं कि वो बाहर वाले। उन्होंने अपने रामपुर से रिश्ते की बात की और कहा कि जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना। साथ ही जया ने रामपुर में कराए गए विकास कार्यों को भी जनता के सामने रखा। और आज उस विश्वास को मैं आखिरी दम तक, जब तक मैं जिंदा हूं, मैं आपके लिए सेवा करने के लिए तैयार हूं। और इस पार्टी को मैं आखिरी दम तक सेवा करूंगी, एक सेविका के लिए। सब लोग पूछ रहे थे, पत्रकार भी पूछ रहे थे, आप कितने दिन यहां रामपुर में रहेंगे। मैं एक बार इस पद से बताना चाहती हूँ, जिंदा यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना। अब मैं नहीं चाहूंगी, बहुत बहुत डराया, धमकाया, बहुत कुछ किया। क्या आप यहां महिलाएं हैं, मैं उनसे भी अपील करती हूं, क्या मैंने कुछ गलती की, क्या मुझे ये सजा जरूरी है, क्या मैं रामपुर में नहीं रह सकती। आप बताओ कि मैं अगर नहीं रहता है तो मैं चली जाऊं। तो आज आप ही मेरे ताकत हैं, आप मेरे ताकत हैं, आप मेरे ताकत हैं, आप सब मेरे ताकत हैं। आज प्रधानमंत्री जी के चौकीदार इस प्रोग्राम में पहली बार मैं शामिल हो रही हूं, मुझे गर्व एहसास हो रही है। मैं भी चौकीदार जयप्रदा हूं। पहली बार मैं इस प्रोग्राम को मैं देखने के लिए मुझे उपस्थिति मिली है और उस बहादुर नेता के नेतृत्व में मुझे काम करने का भी मौका मिला है। वो बहादुर नेता जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते हैं, वो नेता किसानों के बारे में सोचते हैं, उनके गरीबी के बारे में सोचते हैं, उनकी तकलीफ के बारे में सोचते हैं। वो नेता आज देश के रक्षा के लिए सोच रहे हैं, महिलाओं की रक्षा के लिए सोच रहे हैं। उस नेता के नेतृत्व में मुझे काम करना मुझे बहुत गर्व एहसास हो रहा है। मैं आपसे नमन करके मैं बता रही हूं कि मैं इस चुनाव में मुझे यकीन करिए, मुझे विश्वास कीजिए, क्योंकि मैं बाहर नहीं जाना चाहती हूं। आप लोग कहते हैं, कुछ लोग कह रहे हैं, जो अपोजिशन वाले कह रहे हैं कि ये बाहर वाली आई, मैं बाहर वाली कहा हूं। मैं 10 साल आपके लिए काम किया और मैंने कॉलेजेस बनवाई, नर्सिंग कॉलेजेस है, बीएड बीटीसी कॉलेज है, घर है, मैं पढ़ाई कहा हूं। मैं 10 साल से आपके लिए मंच से नरेंद्र मोदी को फिर से पीएम बनाने की अपील। उन्होंने कहा कि मुझ पर फिर से शब्दों के प्रहार किए जा रहे हैं, लेकिन आप लोगों को इन बातों का जवाब देना है अपनी वोट से, मुझे जिताकर और मोदी जी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाना। सीरियसली लीजिए, और कोई इसमें जो लोचा कर रहे हैं लोग कि हम लोग पता नहीं है क्या क्या है, धर्म को दो धर्म को हम अलग अलग करने वाले हैं, ये पूरे पूरे पता नहीं है मेरे ऊपर क्या क्या बोल रहे हैं। मैं दुर्गा बन गई हूँ, किसी को मैं नरसंहार कर लेती हूँ, ये भी एक चाल है। आप लोग सुनिए, पहले गुड बोलते थे, अब बुलवाते थे, अब बुलवा रहे हैं। एक ही मत करिए, क्योंकि मेरे संस्कार ये नहीं है। कितना भी मुझे गंदी बातें बोला, मुझे लाची वाले बोला, मुझे बाजे बोला, फिर भी मैंने उनको भाई भाई बोला, भाई के नीचे कभी नहीं कहा। लेकिन आज मैं ये बोल रही हूं, अब कोई भी इस तरह के अगर बकचोदी करे, मैं वो जयप्रदा नहीं हूं वो बर्दाश्त करने वाली। जया ने जिस तरह से रामपुर
पर चुनाव प्रचार की शुरुआत की है उसमें वो आक्रामक नजर आई, क्योंकि वो रामपुर में अपने कट्टर विरोधी आजम को जरा भी हावी होने का मौका नहीं देना चाहते।